हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आप फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बिकॉज हियर यू गेट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट। वेल, अनुपमा के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुज कहेगा कि मैं शाज को भी थिंक्स करना चाहता हूँ। वो सबसे कहता है कि आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस घर में खुशियाँ लाने के। अनुज कहता है शाज से कि मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब मिलकर के सारी मुश्किल परेशानियों का सामना करेंगे। तभी अनुपमा उसे थिंक्स कहती है और कहती है कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली है। हंसमुख कहते हैं अनुज से जाते वक्त कि पारितोष, अगर अनुज कहे कि ये पार्टी खत्म हो गई है एक इमोशनल नोट पर, तो ये बहुत मुश्किल है। अनुज कहता है कि नो। अनुज और अनुपमा काव्या वनराज डिसाइड करते हैं जब कोई बात बिगड़ जाए सॉन्ग पर, शाहज भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। काव्या यहाँ अनुपमा का रास्ता ब्लॉक करती है। डांस करते करते वो अनुपमा को साइड ले जाती है। अनुपमा काव्या से कहती है कि क्या हुआ, साइड में क्यों लाई तुम? काव्या कहती है मुझे तुमसे कुछ बहुत बड़ी सीक्रेट शेयर करनी है। अनुपमा कहती है कि ठीक है बोलो। काव्या कहती है कि वनराज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है जब से उसे बेबी की खबर मिली है तब से, और वो अनुपमा को थैंक्स कहती है। अनुज यहाँ पर कहता है कि बेबी शावर अपनी जगह रखने के लिए। काव्या तभी यहाँ पर लीला की और भी ज़्यादा अच्छे बिहेव की तारीफ़ करती है। वो कहती है अब सब कुछ परफेक्ट है। अनुपमा कहती है तो क्या हो गया काव्या, तू अब क्यों अपसेट है, सब तो अच्छा जा रहा है ने? काव्या कहती है कि अनुपमा एक राज है जो हर किसी की ज़िंदगी हर ये खुशी बर्बाद कर सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सीक्रेट कैसे शेयर करूँ और मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही है। अनुपमा काव्या से कहती है कि क्या हुआ काव्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? काव्या तभी अनुपमा से कहती है कि ये जो बच्चा जिसकी खुशी सब मना रहे हैं, जिसके आने का नाम सुनकर वनराज इतना खुश है, वो वनराज का बच्चा नहीं है। अनुपमा ये सुनकर शॉक में आ जाती है। अनुपमा काव्या को साइड ले जाती है। वो कहती है कि क्या मतलब है, वनराज का नहीं है तो किसका है? काव्या चुप रहती है। अनुपमा उससे कहती है कि क्या यह अनिरुद्ध का बेटा है, बच्चा है? तभी वो कहती है कि हाँ। वनराज यहाँ पर कहती है वो कि वनराज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लम्हे का इंतज़ार कर रहा है अपने दिन में। अनुज यहाँ पर कहता है वनराज से कि ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल डे था, लेकिन सब लोग एक साथ डांस किए, ये बहुत मेमोरेबल था। वनराज कहता है अनुज से कि हाँ, लेकिन ये सब इसलिए भी हो रहा है ना क्योंकि हम अब बड़े हो रहे हैं और हम ओल्ड हो जाएंगे। अनुज कहता है वनराज से कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वनराज कहता है अनुज से कि आज मेरे बच्चे का बेबी शावर है। तभी वो डिसाइड करता है कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अनुज देखता है अनुपमा को और वनराज काव्या को। काव्या अनुपमा से कहती है कि मैंने वनराज को सच बताने की बहुत कोशिश की और वो इमोशनल होती है। अनुपमा काव्या से कहती है तुम कैसे कर सकती हो, अनिरुद्ध तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था ना? काव्या कहती है कि हाँ, मेरे एक वीक मोमेंट ने सब बर्बाद कर दिया। जब वनराज ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मेरा कोई नहीं था, सिर्फ अनिरुद्ध था जिस पर मुझे लगा कि वो मेरा है। अनुज वनराज यहाँ एक दूसरे को देखते हैं काव्या और अनुपमा के लिए। अनु यहाँ पिक्चर लेती है अनुज की और वनराज की। तभी यहाँ पर काव्या कहती है अनुपमा से कि वो सिर्फ एक मोमेंट था। अनुपमा काव्या से कहती है कि तुमने शाहस को धोखा दिया है। काव्या कहती है कि नहीं, मैंने जानकर कुछ नहीं किया, बस हो गया। अनुपमा कहती है कि अब कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है जो तुमने किया है उसका। काव्या कहती है कि वनराज ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो मैं कहाँ जाती? काव्या रिकॉल करती है कि कैसे वनराज और शाहस ने उसे ट्रीट किया था पास में। वो एक्सप्लेन करती है कि अनिरुद्ध मुझे मिला मुंबई में और एक वीक मोमेंट था जो मेरे साथ ऐसा कर गया। वनराज को यहाँ पर क्रैम्प मिलता है, पैर में आ जाता है। अनुज उसकी हेल्प करता है और काव्या सब कुछ शेयर करती है अनुपमा के साथ। यही दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि काव्या की इस गलती की सज़ा क्या वनराज उसे देगा या फिर अनुपमा उसे समझाने में कामयाब होगी। फिलहाल तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।